हेलो दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बच्चों अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या पीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो उसी लेवल का हम ये कोर्स रखने की कोशिश करेंगे। यानी कि अगर आप हायर लेवल पर हो तो ये पूरा का पूरा वीडियो कोर्स आप बच्चों के लिए बहुत काम का आने वाला है, जिसकी हम शुरुआत मैक्रो इकोनॉमिक्स से कर रहे हैं। हालांकि ये वीडियो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, जो पुरानी वीडियो उनको एक बार दोबारा से बना रहे हैं ताकि कुछ नयापन वीडियो में आ सके, जो नए कंसेप्ट है वो जुड़ सके। तो सारा का सारा मैक्रो इकोनॉमिक्स हम दोबारा से ही बनाएंगे बच्चों, और इसकी शुरुआत इस वीडियो के साथ होती है जिसमें हम आपको बताएंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है इस वीडियो में जो हम स्पेसिफिक बताने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये बताएंगे कि आखिरकार मैक्रो इकोनॉमिक्स की कौन कौन सी ऐसी इशूज़ हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के सामने आती हैं, और साथ ही साथ हम ये समझेंगे कि आखिरकार जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका एरिया क्या है, स्कोप क्या है उसका। तो हम सब कुछ आप बच्चों को बहुत डिटेल में बहुत रिलैक्स होकर समझाने वाले हैं, और अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपकी बहुत काम की आने वाली है, और आने वाले वक्त में भी हम आपको अलग अलग वीडियो बना के सारी कंसेप्ट समझाते रहेंगे। तो बच्चों अगर आप ये पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करना चाहें तो अब हम अपनी एप्लीकेशन में ही आपको फ्री कंटेंट के रूप में ये सारे के सारे नोट्स अवेलेबल करा रहे हैं, तो आप वहाँ से भी इनको डाउनलोड कर सकते हो विदाउट एनी चार्जेस। तो अब हमारे आपको ये मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, आखिरकार क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में सोचते थे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स था एक छोटे लेवल पे बात करना या इंडिविजुअल लेवल पे बात करना। जब हम इंटायर नेशन के बारे में बात करते हैं, जब पूरी की पूरी इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं तो उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल बेरोजगारी की जो समस्या है या इन्फ्लेशन की जो समस्या है वो मेरे घर की प्रॉब्लम तो नहीं है, पूरे के पूरे देश की प्रॉब्लम है। महंगाई की जो रेट है वो पूरे देश को प्रभावित करती है, आपको भी प्रभावित करेगी, मुझे भी प्रभावित करेगी। मेरा YouTube चैनल से मुझे कोर्स लोग खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम है, ये छोटे लेवल की प्रॉब्लम है। लेकिन अगर मान लीजिए अर्थव्यवस्था में रिसेशन आ जाए तो क्या आप पे प्रभाव नहीं पड़ेगा या मुझ सब पे प्रभाव पड़ेगा? तो जो रिसेशन है, बूम है, ये सारा का सारा मैक्रो इकोनॉमिक्स पे आएगा। यानी कि अगर एक कंपनी डूब जाए तो देश नहीं डूबता, लेकिन देश की अधिकतर कंपनियां अगर डूबेंगी तो डेफिनेटली देश पर इसका बुरा असर पड़ेगा। तो जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हमारा जो स्टडी एरिया होता है, जो हमारा इकोनॉमिक इश्यूज को पढ़ने का जो एरिया होता है वो ब्रॉड लेवल पर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ब्रॉड लेवल पे कोई डिसीजन लेते हैं, इकोनॉमी के लेवल पे कोई डिसीजन लेते हैं, पूरे के पूरे होल इकोनॉमी के लेवल पे या इकोनॉमी का दूसरे इकोनॉमी से जो रिलेशन है वो पढ़ते हैं तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर आता है बच्चों। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली डील करता है पूरी की पूरी इकोनॉमी होल लेवल पे, यानी कि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था के लेवल पे, पूरी के पूरे इकोनॉमी के लेवल पे डील करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। सिंपल शब्दों में समराइज करने की कोशिश करूं तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स की, जिसका सब्जेक्ट एरिया जो होता है वो इंटायर इकोनॉमी होता है, और इकोनॉमी का पूरी इकोनॉमी के लेवल पे या एग्रीगेट लेवल पे जो डिसीजन मेकिंग करता है उसी को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो बच्चों मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार मैं आपको फिर से छोटे शब्दों में समझा देता हूँ। ज़्यादा डिटेल में मैं आपको नहीं कराऊंगा ये वाला टॉपिक, लेकिन आने वाले वक्त में जो हमारा डिटेल होगा वो हम आपको कराएंगे। तो बेसिकली बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है उसका बेसिक जो एरिया होता है वो इंडिविजुअल यूनिट होता है। अब इंडिविजुअल यूनिट जैसे मान लीजिए कार इंडस्ट्री है, कार इंडस्ट्री एक इंडिविजुअल यूनिट है, वो इकोनॉमी को रिप्रेजेंट नहीं करती। लेकिन अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखोगे, आईआईपी देखोगे, तो आईआईपी एक इंडेक्स है जो सभी उद्योगों की परफॉर्मेंस को बता रहा है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब हम आईआईपी की बात करते हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा, क्योंकि आईआईपी अगर मान लीजिए आईआईपी इंडेक्स गिर रहा है इसका मतलब ये हुआ कि अर्थव्यवस्था में उद्योग गिर रहे हैं, और अगर मान लीजिए कार उद्योग में फॉल आ रहा है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि पूरी की पूरी इकोनॉमी में फॉल आ रहा है। तो अगर हम कार इंडस्ट्री की स्टडी करेंगे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है, और अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर को स्टडी करेंगे तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है।
माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो बेसिक फोकस होता है बच्चों, वो ये डिटरमाइन करना होता है कि किसी गुड्स का, किसी सर्विसेज का प्राइस कितना रहा, यानी कि प्राइस डिटरमाइन करना, डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस के द्वारा किसी गुड्स का, किसी फैक्टर का प्राइस डिटरमाइन करना ही माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर होता है बच्चों, वो नेशनल इनकम होता है, आउटपुट होता है, देश में रोजगार का स्तर कितना होगा, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। लेकिन किसी, देखिए सिंपल शब्दों में कहें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ये डिसाइड करने का काम करता है कि देश में किसी भी गुड्स का प्राइस लेवल क्या होगा या किसी फैक्टर का प्राइस क्या होगा। टीचर को कितनी सैलरी मिलेगी, वकील को कितनी सैलरी मिलेगी, डॉक्टर को कितनी सैलरी मिलेगी, ये उसकी डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस डिसाइड करते हैं और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में वेज लेवल की बात करेंगे, इंटायर वेज लेवल बढ़ रहा है या घट रहा है, इसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, नेशनल इनकम की बात करेंगे, तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट मैटर बच्चों मैक्रो इकोनॉमिक्स के होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टूल्स की बात करें तो डिमांड एंड सप्लाई टूल्स है मैक्रो इकोनॉमिक्स के और माइक्रो इकोनॉमिक्स के, और मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो डिमांड एंड सप्लाई तो टूल नहीं होते बल्कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई टूल होते हैं। एग्रीगेट डिमांड का मतलब है डिमांड ऑफ गुड्स बाय ऑफ ऑल कमोडिटी एंड सर्विसेज, एंड इसी तरीके से एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं सभी का आउटपुट जो है वो एग्रीगेट सप्लाई कहलाता है। तो बच्चों ये आपको समझना है। इसके अलावा एग्जांपल की बात करें, डिमांड सप्लाई कॉस्ट होता है माइक्रो का, मैक्रो का होता है नेशनल इनकम इन्फ्लेशन। तो बच्चों एक बार मैं आपको फिर से समराइज कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एक छोटी ब्रांच है, स्मॉल ब्रांच है, गलत बोला मैंने, दोबारा से बोलता हूँ, ऐसी ब्रांच है जो छोटे लेवल पे इकोनॉमिक स्टडी करती है, यूनिट का स्टडी करती है, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो इंटायर लेवल पे इकोनॉमिक का स्टडी करती है। यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो ज़्यादा बड़े लेवल पे बात करती है। देखिए मैक्रो, अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करूँ तो आप ये मत समझिएगा कि यहाँ पे डिफरेंस बता रहे हैं तो माइक्रो मैक्रो अलग अलग हो गई, इंटायर इकोनॉमी में जो हो रहा है वो मुझे इफेक्ट करेगी। अगर मान लीजिए रिसेशन आता है तो रिसेशन किसी एक सेक्टर में नहीं आएगा, इसका असर मुझ में भी पड़ेगा। अगर लोगों की इनकम बढ़ती है तो डेफिनेटली मेरे को भी फायदा होगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को अलग अलग नहीं समझना चाहिए बेसिकली। ये क्या करते हैं, सिक्के के दो पहलू हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन बच्चों अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का एरिया बहुत ब्रॉड है। अगर आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करनी है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। पब्लिक फाइनेंस पढ़नी है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो पूरा का पूरा यूनिट है या पूरा का पूरा कोर्स है या पूरी की पूरी बुक है उसको अच्छी तरीके से करें, ताकि आप फर्दर, देखिए अगर आप हायर स्टडी पर जाना चाह रहे हैं, आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या इस तरीके की कोई हायर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जरूर इन चीजों को करना चाहिए। और बच्चों मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा, और यही सारा काम मैं आपको अपने यूट्यूब के माध्यम से भी कर रहा हूं, हालांकि हमारी एप्लीकेशन भी है और वहां पे भी आपको ये वीडियो मिलती होंगी। तो बच्चों इसके अलावा हम बात करें कि मेजर इश्यूज क्या हैं आखिरकार मैक्रो इकोनॉमिक्स में, कौन कौन से इश्यूज हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंसिडर किए जाते हैं। देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के इशू की अगर हम बात करें तो सबसे पहला आता है लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ। किसी भी इकोनॉमी का जो मेजर ऑब्जेक्टिव होता है वो लॉन्ग रन ग्रोथ को अचीव करना होता है। बिना ग्रोथ के कोई भी देश अपने यहाँ पर जीडीपी के लेवल को नहीं बढ़ा पा रहा है, इसका मतलब देश विकास ही नहीं कर रहा है, समृद्धि ही नहीं कर रहा है, ग्रोथ ही नहीं कर रहा है। तो उसके लिए क्या जरूरी है, सबसे पहला है ग्रोथ ऑफ लेबर फोर्स, यानी कि देश के अंदर जो लेबर फोर्स है जिसको हम एन बोलेंगे वो बढ़नी चाहिए, साथ ही साथ कैपिटल फॉर्मेशन होना चाहिए और टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। तीन बच्चों बेसिक जरूरतें। देखिए दो तरीके की इकोनॉमी होती है, एक तो होती है स्टैटिक इकोनॉमी, एक डायनामिक इकोनॉमी। तो ये तीनों विशेषता डायनामिक इकोनॉमी की है। स्टैटिक इकोनॉमी में ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, डायनामिक इकोनॉमी में ही ग्रोथ पॉसिबल है। अगर कोई देश अपना यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं बढ़ती है, अगर टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ती है, अगर कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होता, जो कमाया सब खा गए, तो इसका मतलब है आपका ग्रोथ होगा ही नहीं। देखिए जितने भी देश हैं, जितने भी बड़े बड़े अमीर देश हैं, सब ने कहीं ना कहीं कैपिटल फॉर्मेशन के दम पे ही सारा का सारा ग्रोथ किया है। तो अगर आप मुझसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ोगे, मान लीजिए पढ़ते हो, तो आपको ये सारे के सारे मॉडल में हम आपको यही बताएंगे कि बेसिकली जितने भी मॉडल हैं वो इन तीन वजहों से ही, जिन्होंने ग्रोथ को पाया है, अचीव किया है, जितने भी ग्रोथ मॉडल हैं वो सब यही बेसिकली बताने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बच्चों इकोनॉमी में देखिए बिजनेस साइकिल आते रहते हैं और कोई नहीं रोक पाएगा, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता बिजनेस साइकिल आने से। डिमांड सप्लाई के फोर्सेज, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के फोर्सेज इस तरीके से मूवमेंट करते हैं कि रिसेशन के बाद रिकवरी आएगी ही आएगी, रिकवरी के बाद बूम आएगा ही आएगा, बूम के बाद फिर से रिसेशन आएगा। इकोनॉमी, हाँ देखिए गवर्नमेंट का बड़ा इफेक्टिव रोल है,
मैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। गवर्नमेंट का रोल है कि जितना रिसेशन कम समय के लिए आए उतना अच्छा, यानी कि ऐसा नहीं है कि रिसेशन गवर्नमेंट रोक पाएगी, वो नहीं रोक पाएगी, लेकिन 20 साल 25 साल 50 साल ना आके छोटे छोटे गैप आए। देखिए इकोनॉमी में गवर्नमेंट का जो रोल आता है वो ये आता है, इस तरीके की फ्लक्चुएशन आएगा तो खतरनाक रहेगा, बल्कि फ्लक्चुएशन इस तरीके का आना चाहिए, छोटे छोटे फ्लक्चुएशन होने चाहिए जिससे कि अर्थव्यवस्था को ग्रोथ मिलती रहे। तो यहीं पे बच्चों ये बताने की कोशिश की गई है कि जब एक देश बूम आता है, जब एक देखिए बिजनेस साइकिल भी हम एक अलग चैप्टर पढ़ाएंगे, फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जो सबसे पहले मान लीजिए कोई देश हाई पीक पर है तो हाई पीक के बाद उसको बूम बोलेंगे, बूम के बाद उसमें क्या होगा, रिसेशन आएगा, रिसेशन आएगा उसके बाद रिकवरी होगी, सॉरी रिसेशन आएगा, रिसेशन बढ़ता चला जाएगा तो डिप्रेशन आएगा, डिप्रेशन आएगा तो रिकवरी आएगी, रिकवरी आएगी तो फिर से बूम आएगा। तो इस तरीके का इकोनॉमी चलती रहती है बच्चों। यानी कि मैं अगर आपको एक अलग से पेज में बना देता हूँ एक बार डायग्राम, देखिए ये है इकोनॉमी का सिचुएशन, इस तरीके से इकोनॉमी चलती है। मान लीजिए मैं इसको फुल एम्प्लॉयमेंट मान लेता हूँ, इसको फुल एम्प्लॉयमेंट मान लेते हैं, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट है तो इस तरीके से इकोनॉमी चलती रहती है ऐसे करके। तो ये जो है ये हमारा बूम है, ठीक है, यहां पे रिसेशन स्टार्ट हो गया हमारा, रिसेशन, ये डिप्रेशन, डिप्रेशन के बाद रिकवरी और रिकवरी के बाद फिर से बूम आएगा। तो बच्चों यही इकोनॉमी है, ये जो चलती रहती है, इकोनॉमी का ग्रोथ होता रहता है और इकोनॉमी आगे बढ़ती रहती है। इसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप इसको भी पढ़ोगे, और भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, तो बच्चों आप जानते ही होंगे एम्प्लॉयड वो व्यक्ति होता है जो रोजगार में है, और अनएम्प्लॉयड वो होता है जिसको काम चाहिए पर वो काम नहीं मिल पा रहा है। एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट के सॉरी एम्प्लॉयमेंट थ्योरी पे ही पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स टिका हुआ है। आप चाहे क्लासिकल इकोनॉमिक्स देखोगे, चाहे केन्जियन देखोगे, चाहे मॉनिटरिस्ट देखोगे, सभी का पूरा का फोकस ये है, वो है एम्प्लॉयमेंट के लेवल को किस तरीके से अचीव किया जाए या अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को किस तरीके से दूर किया जाए, उसके बारे में बच्चों हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यही चीज़ें हमें आने वाले वक्त में पढ़नी है, यही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे को फोकस एरिया रहेगा। फिलिप्स कर भी इसी के अंदर आएगा, जिन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में रिलेशन बताया। इसके अलावा मॉनिटरिस्ट ने कैसे इसको सजेशन दिया, न्यू केन्जियन इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं, ये सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे आने वाले वक्त में। इन्फ्लेशन की बात करते हैं बच्चों, इन्फ्लेशन क्या होता है ये भी आप जानते होंगे। महंगाई जो है, इन्फ्लेशन जो है वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है, क्योंकि जब इन्फ्लेशन आता है तो बहुत से लोगों को नुकसान होता है, कुछ लोगों को फायदा होता है, लेकिन इकोनॉमी को क्या असर पड़ता है। देखिए इन्फ्लेशन अगर 2% है 4% है तो इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव माना जाता है, लेकिन अगर 20% 25% 50% इन्फ्लेशन रहेगी तो कोई भी अर्थव्यवस्था डूब सकती है। ठीक है, बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जिन्होंने हाइपर इन्फ्लेशन का सामना किया। अभी आप देखिए हमारे पड़ोस में श्रीलंका है, श्रीलंका की स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है कि वहाँ पर इन्फ्लेशन का जो रेट है वो बहुत हाई है। 300 रुपये किलो प्याज मिल रही है, 500 रुपये किलो पेट्रोल मिल रहा है, तो ये सब इन्फ्लेशन को ही दिखा रहा है। और इन्फ्लेशन जो है वो किसी भी अर्थव्यवस्था को, किसी भी इकोनॉमी को तबाह करने का काम करती है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पर असर डालती है। और कंट्रोल इन्फ्लेशन सही है, तो इन्फ्लेशन किस तरीके से गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से ही आती है। कई बार गवर्नमेंट पॉलिसी इस तरीके का खतरनाक डिसीजन लेती है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आता है। तो बच्चों ये सब हम इसमें आने वाले वक्त में इस सबको बारे में पढ़ाएंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है बच्चों, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही एक पार्ट है। हालांकि जब आप मुझसे पढ़ोगे तो मैं आपको इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एक अलग सब्जेक्ट मैटर में पढ़ाऊंगा, एक अलग चैप्टर में, अलग यूनिट के हिसाब से पढ़ाऊंगा, लेकिन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स बेसिकली एक देश का देशों दूसरे देशों के साथ क्या रिलेशन है, किस तरीके का ट्रेड हमारे यहाँ आता है, किस तरीके से हम व्यापार करते हैं, क्या क्या थ्योरीज हैं, ये सब का सब हमें पढ़ना पड़ेगा। और बेसिकली इंटरनेशनल से रिलेटेड हमारी साथ कई समस्या आती है। अब इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर हम बात करें तो $1.80 का हो गया है, क्या आपको प्रभावित नहीं करेगा? ये करेगा, डेफिनेटली करेगा, मुझे भी प्रभावित करेगा। प्रभावित ये करेगा कि अब हम जब पेट्रोल खरीदने जाएंगे वो महंगा मिलेगा, अब हम अगर कोई मान लीजिए मोबाइल फ़ोन खरीदेंगे वो महंगा मिलेगा, महंगाई बढ़ेगी देश में, और जब महंगाई बढ़ती है तो किसी भी देश की ग्रोथ इससे इफेक्टेड होती है। तो ये सब चीज़ें हमें डिस्कस करनी है आने वाले वक्त में। इसके अलावा गवर्नमेंट की कई सारी मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज होती हैं। मॉनिटरी पॉलिसी क्या होती है बच्चों, ये भी आपको पता ही होगा, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये पॉलिसी होती है जो आरबीआई द्वारा यूज़ की जाती है। आरबीआई मतलब हर देशों की अलग अलग सेंट्रल बैंक होगी, तो जिस देश की भी सेंट्रल बैंक है वो इस पॉलिसी को यूज़ करती है। और ये पॉलिसी जो है वो बेसिकली क्रेडिट को इफेक्टेड करती है। और मॉनिटरी फिस्कल पॉलिसी भी आप जानते होंगे, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, ये पूरी की पूरी इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो ये भी बच्चों हमारा एक तरीके से, हमारा आप कह सकते हो एक तरीके से
मेजर मैक्रो इकोनॉमिक्स इश्यूज हैं ये हमारे, जो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, जो हमने आपसे डिस्कस किए बच्चों। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आखिरकार हमें क्या क्या स्कोप्स हैं, स्कोप का मतलब है एरियाज, कि क्या क्या चीज़ें हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़नी पड़ती हैं, वो इश्यूज़ थे। इश्यूज़ का मतलब है कौन कौन सी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ रहा है। यहाँ पे वह है कि कौन कौन सा फील्ड एरिया है, तो आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, यानी कि देश में राशि आय किस तरीके से निकाली जाती है, कौन कौन से मेथड है, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, किस तरीके से कैलकुलेशन होती है, ये सब आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ना चाहिए। इसके अलावा थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि किस तरीके की एम्प्लॉयमेंट है, एग्रीगेट डिमांड का लेवल क्या है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, कंजम्पशन के बारे में अलग अलग इकोनॉमिक्स ने क्या कहा, सेविंग के बारे में अलग अलग इकोनॉमिक्स ने क्या कहा। थ्योरी ऑफ मनी भी आपको पढ़नी पड़ेगी, यानी कि मनी के बारे में, ठीक है, मनी डिटरमाइन कैसे होती है, किस तरीके की सप्लाई होती है, ये सब आपको स्टडी करना है। इसके अलावा जनरल प्राइस लेवल किस तरीके से डिटरमाइन होता है, इन्फ्लेशन वगैरह के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे बच्चों सब्जेक्ट मैटर हैं और ये सब आपको एप्लीकेशन के थ्रू भी मिल जाएंगे और यूट्यूब के थ्रू भी मिल जाएंगे बच्चों। काफ़ी सारी वीडियो यूट्यूब पे भी रहेंगी, एप्लीकेशन पे भी रहेंगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बिजनेस साइकिल, ये सब हम आपसे डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, बजटरी डेफिसिट एंड फिस्कल पॉलिसी, इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट एंड मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए ISLM जो होता है वो यही डिसाइड करने का तो काम करता है जो आपको पढ़ना है।